हेलो एवरीवन, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। तो आज है 31 दिसंबर। तो आज हम लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए क्योंकि यासिर को जाना है और यासिर का छुट्टी भी चल रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ईडन गार्डन हम लोग गए हैं, आए हैं। तो क्योंकि यासिर को जाना था ज़ू, तो हुआ क्या कि अभी जो है ना 31 दिसंबर आज है ना, और संडे है, तो ये जो होता है ना, तो इतना इतना ज़्यादा ज़ू में भीड़ होता है ना कि मतलब एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा भीड़, और बच्चे लोग रहता है और सबका छुट्टी भी रहता है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, ज़ू में ज़्यादा ही होता है। इस वजह से हम लोग ज़ू नहीं गए हैं, कैंसिल हो गया वहाँ। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ईडन गार्डन। तो यहाँ पे भी यासिर को बहुत पसंद है ना, तो यहाँ पे झूला वूला बहुत सारा है बच्चे लोगों के लिए। तो इस वजह से तो यासिर को लेकर आए हैं। इसका छुट्टी चल रहा है, ये बोर हो रहा था घर में बहुत दिन से, मतलब आने मांग रहा था। हम लोग ने सोचा कि चलो आज 31 दिसंबर भी है, तो इसी बहाने जो है हम लोग, नया साल आने वाला है, लास्ट डे है नया, मतलब ईयर का जो है लास्ट डे है ये। तो हम लोग चलते हैं घूमने के लिए, आ गए हैं क्योंकि 1 जनवरी को हम लोग आ नहीं सकते हैं, उस दिन छुट्टी नहीं होता है ना उसके पापा, यासिर के पापा का। तो इस वजह से सोचा चलो आज ही चलते हैं। तो आज आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पे जो है अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ना, इतना अच्छा धूप है, इतना अच्छा लग रहा है ना, तो ठंड का जो है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो जैसे कि अगर इतना ठंड रहे ना, तो हफ्ते में एक बार भी इंसान को तो जो है ना धूप लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अंदर रहते हैं, ज़्यादातर धूप नहीं लग पाता है हम लोगों को। तो इस वजह से तो थोड़ा चलते हैं कि बाहर निकलें तो धूप भी लग जाएगा हम लोगों को, अच्छा लगेगा, इस वजह से चले आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना अच्छा लोटस था ना, तो उसका जो है व्यू मैंने वीडियो ले लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं इन लोग जो है सब झूले में लग गए हैं, इसी वजह से इन लोग यहाँ पे आने मांगते हैं। और दोनों को बहुत अच्छा लगता है, ज़ारा को भी बहुत पसंद है झूला, तो इस वजह से ये लोग अभी लग गए हैं अपना काम में। तो अभी आगे आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा, बने रहिएगा व्लॉग में। तो आज अभी बहुत दिनों बाद मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप लोग सोचते होंगे कि क्या बात है, ऐसा कुछ बात नहीं था, तो है कि मुझे है कि नहीं बना रहे थे, बस मन नहीं कर रहा था, इस वजह से नहीं बना रहे थे। लेकिन अब आगे व्लॉग बनाने का कोशिश करेंगे कि रोज़ व्लॉग आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे लोग हैं और बहुत सारे मतलब पिकनिक सब मना रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। तो हम लोग भी आ चुके हैं कि चलो हम लोग भी पिकनिक मना लेते हैं 31 दिसंबर को। 1 दिसंबर मतलब 1 जनवरी को तो आ नहीं सकेंगे इस वजह से। तो यहाँ पे जो है बोटिंग भी होता है ना, तो बोट भी है बहुत सारा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम नहीं था, तो इस वजह से तो अभी यहाँ पे ऐसे ही लगा करके रखे हुए हैं। तो होगा अगर तो फिर चलते हैं सब, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो हम लोग बहुत मतलब जल्दी चले गए थे, 12:30 बजे तक, ऐसे 12 बजे तक खुल जाता है ये पार्क। तो आ गए थे हम लोग यहाँ पे, देख सकते हैं कि लोटस बहुत बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो पानी में जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये पूरा नेचर है, और नेचर का खूबसूरती का तो बात ही अलग होता है। तो यहाँ पे आने से ना बहुत अच्छा फील होता है, बहुत शांति रहता है ये पार्क में जो है ना, बहुत शांति रहता है जैसे, और धूप भी सेकने के लिए ना बहुत अच्छा है। तो ठंड में यहाँ पे आने से ना बहुत अच्छा लगता है, तो धूप आपको पूरा लगता है अच्छे से। तो यहाँ पे तो लोटस का मैंने ले लिया था, और यहाँ पे हम लोग अब आ गए हैं बैठने के लिए। तो बैठने के लिए मैंने चादर एक ले लिया था बिछाने के लिए, क्योंकि है ऐसे तो नीचे बैठ सकते थे, साफ है जो है ना घास, तो घास पे तो और अच्छा होता है, और जो बिना चप्पल के चलने मतलब चलना चाहिए घास पे तो अच्छा होता है, ये आँख के रोशनी के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी चादर लेकर आए हैं, तो बैठेंगे थोड़ी देर ना इस वजह से, तो जो यासिर पे ऐसे बैठ नहीं पाता है वो, तो इसलिए चादर मैंने ले लिया था। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे 2-3 घंटे के लिए जो है आराम करेंगे यहाँ पे। तो हफ्ते में कम से कम या 15 दिन में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, तो अच्छा लगता है ऐसे पिकनिक बनाने से सबके साथ, तो और बच्चे लोगों को भी अच्छा लगता है ना, तो इसका भी इंजॉय हो जाएगा। अभी यासिर को तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये ना बॉल लेकर आने भूल गया था,
स्पोर्ट्स का बॉल था ना, अगर बॉल लेकर आता तो ये खेलता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बच्चा है ना, इसको डर लग रहा था। यहाँ पे क्या बना हुआ है, कापा होता है ना एक, उसी का स्टैचू बना हुआ था। तो वो बच्चा जो छू नहीं रहा है, उसको डर लग रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे वो छू नहीं, टच नहीं कर रहा है उसको, वो सोच रहा है कि मतलब रियल का नहीं है, स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी यासिर उस पर बैठ जाएगा जाकर। तो कापा बना हुआ है, दिखाते हैं अभी आप लोगों को आगे। देखिए यहाँ पे, और जो बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं ना, वो डर रहे थे। वो छोटा सा था ना बच्चा, तो वो भी डर रहा था। यासिर जो है यहाँ पे इसके गोद पर बैठ गया है जाके, इसके साथ इसके बच्चे भी हैं दो। देख सकते हैं कापा बना हुआ है। कापा क्या है, ये है मेंढक टाइप का है, उसी टाइप का है, ये भी बना हुआ है। तो बच्चे लोगों के लिए फ़ोटो वोटो खींचते हैं बैठ कर। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सब बच्चे लोगों को खेलने के लिए अच्छा पार्क है ना, बड़ा सा है। और इस तरफ जो है ना, वहाँ पे सब सिंगर मतलब गाना भी गा रहा था, सिंगर नहीं था, तो बहुत सा ना गाना गा रहा था। तो वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि वीडियो में नहीं दिखा नहीं सकते हैं, आवाज़ जो गाना है पूरा वो नहीं दिखाया मैंने। तो सब गाना वाना गा रहा था, कैसा अब उन लोग लेने दे या नहीं, सबका अलग अलग ये होता है ना, तो मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी धूप थोड़ा सा सेक रहे हैं बैठ करके, बातचीत कर रहे हैं, और खाने पीने का लाए हैं तो थोड़ा बहुत खाएंगे पीएंगे। और यहाँ पे ज़ारा भी बैठ गई है। बहुत दिनों से मैंने सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पा रहे थे। तो क्योंकि आप लोग जो है ना, इतना मैं ब्लॉग डाल रही हूँ इतने दिनों से, तो आप लोग जो है ब्लॉग सब मतलब नए जो है, जैसे अगर जो व्यूवर, तो वो लोग जो है सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे हम लोगों का टाइम हो गया है, 2-3 घंटा बीत चुका है, तो हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। तो ज़्यादा मैंने ब्लॉग नहीं लिया था, ऐसे बीच बहुत सारा था तो मैंने उतना नहीं डाला, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो होता है ना, तो इसमें ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोग 12:30 बजे तक आए थे, और यहाँ पे अभी ना 3:30 बज रहा है। तो हम लोग इतना देर यहाँ पे थे, तो इतना व्लॉग मैंने नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाता इस वजह से। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए, लौटने के लिए घर। तो अभी चलते हैं, तो दिखाते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ पे जो, अगर आप लोग ना मेरे ब्लॉग पे मतलब चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जो लोग पहले से मतलब सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और ब्लॉग ऐसे अभी और भी ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी कि और भी आगे ब्लॉग में रोज़ जो है ब्लॉग बना सकूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज़ारा जा रही है आगे देखने के लिए कि कुछ वहाँ पे बना हुआ है, स्टैचू कोई था वही देखने के लिए जा रही है ज़ारा। ग्रीन ग्रीन इतना अच्छा लगता है ना देखने में। तो यहाँ पे आ गई है अभी, तो यहाँ पे वो फ़ोटो भी खिंचाई थी। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये है स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे ऐसा छोटे सी। और यासिर आ गया है देखने के लिए कि क्या है यहाँ पे, हिरन है यहाँ पे, हिरन है और इसका स्टैचू बना हुआ है। बस यहाँ पे जो है ना थोड़ा अच्छा लगता है आ जाने से। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे यासिर जो इसका सिर पे हाथ रख कर के देख रहा है। तो यहाँ पे सब जो है फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। अब हम लोग निकलने के लिए जा रहे हैं, अब हम लोग का हो गया। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से बीत गया, पता भी नहीं चला कब टाइम गुजर गया। तो यहाँ पे यासिर को जो है ना, उसको ज़्यादा मज़ा आता है। और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे, आ चुके हैं हम लोग अब बस के। यहाँ आने के टाइम में हम लोग बस में आ गए थे, क्योंकि सामने पार्क के सामने बस था, तो और एकदम बिल्कुल खाली है, देखिए कोई भी नहीं।